सुक्खू सरकार द्वारा हिमाचल में 620 से ज्यादा ऑफिस को डी नोटिफाई किए जाने के विरोध में भाजपा 25 फरवरी तक हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। इसके बाद 25 फरवरी से 5 मार्च तक भाजपा जिला स्तर पर रोष रैलियां निकालेगी। भाजपा ने इसका रोड मैप तैयार कर लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में 620 से अधिक सरकारी संस्थानों को बंद कर लोगों की मुश्किलों को बढ़ाया है। इसको लेकर हर मंडल में बैनर लगाकर भाजपा हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। हर चौक पर कुर्सी, माइक और बैनर लगाकर भाजपा विरोध प्रदर्शन करेगी। अम्ब के भैरा में एक बाइक चालक ने स्कूटी चालक को टक्कर मार दी। इस टक्कर में स्कूटी चालक व बाइक चालक दोनों घायल हो गए। दोनों घायलों को कुसाड़ा अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर कर दिया गया। जानकारी अनुसार भैरा निवासी 52 वर्षीय जोगिंदर पाल एक मोबाइल कंपनी में नौकरी करते हैं और मंगलवार सुबह करीब 10 बजे अपनी स्कूटी पर ड्यूटी देने जा रहे थे। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में आज से इंटरनेट की 5G स्पीड शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में जियो के 5G नेटवर्क को लॉन्च किया। शिमला, बिलासपुर और मुख्यमंत्री के गृह जिले हमीरपुर और उनके विधानसभा क्षेत्र नादौन में भी 5G की सेवा शुरू कर दी गई है। इससे पहले शिमला में एयरटेल भी 5G सेवा शुरू कर चुका है। अब रिलायंस जियो ने भी 5G लॉन्च कर दिया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज यहां हर्षित भंडारी द्वारा विकसित एक निशुल्क सोशल नेटवर्किंग ऐप हिम टेक्स्ट का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस ऐप को बड़े पैमाने पर डाटा साझा करने के लिए विकसित किया गया है और ये विशेष फीचर से लैस है जो उपयोगकर्ता की गोपनीयता को भी सुरक्षित करता है। हर्षित भंडारी ठियोग जिले के कुमारसैन से संबंधित है। वे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टूटू शिमला में 12वीं कक्षा के छात्र हैं। रोहित ठाकुर ने हर्षित भंडारी के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने दृढ़ संकल्प और मेहनत का एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने हर्षित के उज्ज्वल भविष्य और सफलता की कामना करते हुए कहा कि वह युवा छात्रों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। राष्ट्रीय होली उत्सव सुजानपुर में 5 से 8 मार्च तक मनाया जाएगा। होली उत्सव के दौरान ही पहली बार सरस मेले का आयोजन भी किया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। प्रशासन के द्वारा स्टार कलाकारों की प्रस्तुति की तैयारियां के अलावा सांस्कृतिक संध्याओं के लिए भी कलाकारों के चयन की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने बताया कि इसमें पूरे राष्ट्र से 26 राज्यों के विभिन्न क्राफ्ट के अलावा उनकी संस्कृति को दर्शाने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। पुलवामा में हुए टेररिस्ट अटैक को आज 4 साल पूरे हो गए हैं। 14 फरवरी 2019 को दोपहर करीबन 3 बजे जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले में विस्फोट लेकर जा रहे एक वाहन को टक्कर मार दी थी। पुलवामा में पाकिस्तान समर्थित जैश ए मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर द्वारा CRPF के काफिले को निशाना बनाकर किए गए हमले में CRPF के करीब 40 जवान शहीद हो गए थे। CRPF के काफिले में 78 बसें थी। इस अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। अडानी ग्रुप प्रबंधन व ट्रक ऑपरेटर के बीच चले माल भाड़ा विवाद के बीच अब अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी प्रबंधन ने 1 फरवरी से अपने ऑपरेटर को माल भाड़ा किराया 13 पैसे बढ़ाकर 10.58 रुपए से 10.71 रुपए कर दिया है, जिससे अल्ट्राटेक कंपनी से जुड़े ट्रक ऑपरेटर खुश नजर आ रहे हैं। वहीं अल्ट्राटेक से जुड़े द JP ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार से अडानी ग्रुप के अंतर्गत सीमेंट प्लांट से जुड़े ट्रक ऑपरेटर को अल्ट्राटेक के समान ही माल भाड़ा किराया दिलवाने की मांग की है। द JP ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर सरकार की मध्यस्थता से ट्रक ऑपरेटर्स को एक समान किराया नहीं दिया गया तो आगे आने वाले समय में अल्ट्राटेक से जुड़ी सहकारी सभाओं के सदस्य बरमाणा व दारला घाट के ट्रक ऑपरेटर के समर्थन में उनके आंदोलन में अपना समर्थन देंगे और सरकारी कार्यों में इस्तेमाल होने वाले अल्ट्राटेक सीमेंट की सप्लाई भी बंद कर देंगे। हिमाचल के ऊना में नई दिल्ली से आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस आज 1 घंटा 11 मिनट देरी से पहुंची, जबकि ऊना रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन के आने का निर्धारित समय सुबह 10:34 है। मंगलवार को वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 11:45 पर ऊना स्टेशन पर आई। आनंदपुर साहब स्टेशन में वंदे भारत एक्सप्रेस की ट्रेन के इंजन में कोई तकनीकी खराबी आ गई, जिस वजह से ट्रेन वहां लगभग आधा घंटा खड़ी रही। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन
देरी से आने पर पैसेंजर्स के साथ साथ उनके परिजनों को भी स्टेशन पर खड़े होकर इंतजार करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जल्द ही नगर निगम चुनाव होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शिमला नगर निगम के 5 वार्डों की डीलिमिटेशन से जुड़े केस को खत्म कर दिया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इस केस को विड्रॉ करने की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। कोर्ट से लिखित कॉपी मिलने के बाद आयोग नगर निगम के 34 वार्डों के चुनाव की प्रक्रिया को जल्द शुरू करेगा। राज्य चुनाव आयोग मार्च में कभी भी शिमला नगर निगम चुनाव को घोषित कर सकता है। शिमला नगर निगम के चुनाव पिछले साल जून में प्रस्तावित थे, जो केस के कारण अभी तक अटके हुए हैं। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में तैनात चिकित्सकों ने जिंदगी की जंग हार चुके युवक को दोबारा से सांसें देने का काम किया है, बल्कि साथ ही साथ खोई हुई आवाज भी वापस की है। मेडिकल कॉलेज में गंभीर हालत में उपचार के लिए पहुंचे सरकाघाट के युवक अभिनव का ईएनटी के चिकित्सकों की टीम ने सफल ऑपरेशन करके सबको हैरान कर दिया। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में नेपाली मूल के एक युवक अभिनव के बीच का गला कट जाने से जान जाने का खतरा बना हुआ था, लेकिन मेडिकल कॉलेज में तैनात ईएनटी चिकित्सक डॉक्टर अमित सैनी ने अपनी टीम के साथ ऑपरेशन करके युवक की जान बचाई है, तो युवक दोबारा से अब ठीक से बोल भी पा रहा है।